ये क्वेश्चन भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा, है ना। सेम इसी क्वेश्चन की तरह जो है वो वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। इसमें हमको कोई फंक्शन दिया हुआ था, फिर कंडीशन दिया हुआ है, और बताना है कि क्या यह आर इंटीग्रल है, आई मीन रीमान इंटीग्रल है, और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, है ना। हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है, दिख रहा है, एंड इस फंक्शन का ये कंडीशन दिया हुआ है, और हमको बताना है कि ये आर इंटीग्रल है जीरो से वन में। फिर हमको इवेलुएट करना है इंटीग्रल को, इसका वैल्यू निकालना है जीरो से वन के बीच में। और मैंने आपको बताया हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताया है ना आपको, दिखा भी देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, है इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे, एंड इधर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है, तो कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ ध्यान दो, इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद उस फंक्शन पर जो जो डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट होगा उसके सेट को दर्शाना है और दिखाना है कि वो किसी खास टर्म को लिमिट कर रही है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन हमको इवेलुएट करना है जीरो से वन के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एफ एक्स को डिनोट करते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है माइनस वन पर पावर आर माइनस वन, जहाँ पर x का वैल्यू 1/r से 1/r प्लस 1 के बीच में है और r का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है। दैट्स क्लियर, ठीक। द गिवन फंक्शन, जो हमको फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं बारी बारी से, r का वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह पुट करके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखो। द गिवन फंक्शन f कैन बी रिटन एज, मतलब क्या, जो फंक्शन हमको दिया हुआ है उस फंक्शन को बारी बारी से r का वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह पुट करके लिखना है। अगर r का वैल्यू हम लोग 1 लिए, इस कंडीशन में x का वैल्यू किसके किसके बीच में इवेलुएट करेगा, 1/1 से 1/2 के बीच में, बिल्कुल सही। एंड fx का वैल्यू -1 पर पावर r -1 है, -1 पर पावर 1 -1, डैट इज -1 पर पावर 0, तो 1 हो गया। इसी तरह निकालना है अगर r का वैल्यू 2 लिए, उस कंडीशन में x का वैल्यू 1/2 से 1/3 के बीच में इवेलुएट करेगा। उस कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू -1 पर पावर 2 -1, मतलब -1 पर पावर 1, जिसका वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक। अगर r का वैल्यू 3 पुट करेंगे, उस कंडीशन में x का वैल्यू 1/3 से 1/4 के बीच में इवेलुएट करेगा, देखो 1/3 से 1/4 के बीच में। उस कंडीशन में fx का वैल्यू -1 पर पावर 3, आई मीन -1 पर पावर 3 -1, -1 पर पावर 2, तो 1 हो गया। इस तरह जो है ये फंक्शन का वैल्यू आपका निकलेगा, एंड सो ऑन हम सीधा लिख देते हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से सारा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ आप ध्यान दोगे, मैंने बताया हुआ है कि एक ही पॉइंट पे फंक्शन का दो वैल्यू, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो 1/2 पे ये फंक्शन का दो वैल्यू है, 1 और -1, तो 1/2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह 1/3 पर भी, 1/4 पर भी, 1/5 पर भी, सारे पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और ये सारा पॉइंट आपका एक खास टर्म को लिमिट कर रहा है। देखो 1/2, 1/3, 1/4 धीरे धीरे ये जीरो के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये जीरो को टेंस कर रही है ये सारे पॉइंट का सेट, इसका मतलब सारा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का सेट अगर किसी खास टर्म को लिमिट करे तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रल होता है। क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट, क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट किस किस पॉइंट पर, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह सारा जो पॉइंट का सेट है उस सारे पॉइंट पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो नाउ हम लोग पढ़े हुए हैं द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, पढ़े हो ना, हैज ओनली वन लिमिटिंग पॉइंट, जब ये फंक्शन का सिर्फ एक लिमिटिंग पॉइंट हो रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रल है। दैट्स क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है जीरो से वन के बीच में, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालो ना। एफ एक्स भैया आपका इंटीग्रेशन निकालेंगे जीरो से वन के बीच में, जीरो मतलब क्या, 1/n, 1/n के फॉर्म में है, n को इन्फिनिटी पुट कर लेंगे बाद में तो वो जीरो बन जाएगा, तो 1/n से 1 के बीच में इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक। तो सिंपल सा यहाँ समझो, यहाँ पर क्या है, 1/4 से 1/3 के बीच में, मतलब 1/4 से 1/3 एक कम हो रहा है, तो यहाँ 1/n है, तो 1/n से 1/n-1,
के बीच में फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, प्लस 1/n-1 से 1/n-2 fx dx प्लस डॉट 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 प्लस इसी तरह, फिर यहाँ पर 1/4 से 1/3 fx dx प्लस 1/3 से 1/2 fx dx प्लस 1/2 से 1 fx dx। दैट्स क्लियर। एक चीज देख रहे हो आप क्या, यही कि 1/4 से 1/3 जो यहाँ ऊपर पे है ये आपका r का वैल्यू है। देखो है ना r का वैल्यू 1/4 से 1/3 में, ये आपका r का वैल्यू है। सीधा -1 पर पावर r-1 करते हैं, तो सेम वही फंडा यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे वो देखो, तो ये r का वैल्यू हुआ तो -1 पर पावर r-1 n-1 -1 dx प्लस ये इंटीग्रेशन 1/n-1 से 1/n-2। अब ये r का वैल्यू है तो -1 पर पावर n-2 -1 dx प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 से 1/3 -1 पर पावर 3-1 dx। बहुत अच्छे। एंड इसी तरह हमको धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर जाना है। यहाँ 2 है तो -1 पर पावर 2-1 dx बहुत अच्छे। एंड -1 पर पावर 1-1 dx। चलो देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचे, इसको उलट देते हैं, पहले इधर से लिखेंगे। तो क्या है, -1 पर पावर 1-1 -1 पर पावर 0 और -1 पर पावर 0 1 होगा 1 into dx प्लस 1/3 से 1/2 -1 पर पावर 2-1 -1 पर पावर 1 हो गया, मतलब -1 dx मतलब 1-1 1-1 इस तरह के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो 1/4 से 1/3 1 dx इसी तरह हम लोग का आते चलेगा, कहाँ तक आएगा 2 infinity तक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना क्या, 1 को बाहर किए तो dx का इंटीग्रेशन x, अब लिमिट पुट कर दिए, सेम वही फंडा यहाँ पर, -1 को बाहर किए तो माइनस का सिंबल यहाँ आ गया, तो x 1/3 से 1/2 फिर x 1/4 से 1/3 इसी तरह मेरा आते चलेगा। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3-1/4 बहुत खूब। अच्छा सोचे हो, हम लोग तो यहाँ n तक लेके चल रहे हैं, इन्फिनिटी पर n, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये सारा जो टर्म है ये n बार आएगा। जब हम लोग इसको अलग अलग करेंगे ना तो वहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा, कोई नहीं, अप टू n टर्म्स, ये सारा टर्म n बार आ रहा है। दैट्स क्लियर। ठीक, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला टर्म का सीक्वेंस बनाएंगे, तो 1-1/2 + 1/3 इस तरह। ये समझना हर एक टर्म में दो दो पॉइंट है, यहाँ एन टर्म लिए तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो इसका अपना अलग एन टर्म बनेगा, और सेकेंड वाले को अलग करेंगे तो उसका अपना अलग एन टर्म बनेगा। ठीक, तो अप टू एन टर्म प्लस अब सेकेंड टर्म को लेना है, -1/2 + 1/3 फिर -1/4 इसी तरह हम लोग का टर्म चलेगा। लेकिन यहाँ 1 नहीं है ना, यहाँ 1 डालो माइनस 1 करो। अब देख रहे हो ये सारा दोनों टर्म सेम हो गए, यहाँ पर लिख लो अप टू एन टर्म्स, ये दोनों टर्म सेम है तो 2 into कर लेते हैं, 2 into 1-1/2 + 1/3 + ... अप टू इन्फिनिटी, आई मीन अप टू एन टर्म। बाद में एन का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तब लिखना है अप टू इन्फिनिटी। ठीक, इन्फिनिटी पुट कर दे क्या, अरे पुट कर ही देते, टेकिंग एन टेंस टू इन्फिनिटी वी गेट क्या पाएंगे हम लोग, कि 0 से 1 fx dx इक्वल टू, इसमें भी हम लोग इन्फिनिटी पुट किए, यहाँ 0 से 1 आ गया तो fx का इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx वैल्यू यहाँ पर एंड यहाँ पर है, एन टर्म्स मतलब ये इन्फिनिटी टर्म तक जाएगा। ठीक, तो 2 into 1-1/2 + 1/3 + ... नहीं ये माइनस आएगा, देख लेना प्लस माइनस के सीक्वेंस में चल रही है। ठीक है, यहाँ देखो, अरे भाई थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग में एरर आ चुका था। अच्छा कोई नहीं, आप यहाँ से समझ लो, इस सारे सीरीज का जो सम होगा ना वो लॉग 1 प्लस एक्स वाले फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। हम लोग जानते हैं लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला, x - x²/2 + x³/3 इस तरह का जो सीरीज होगा ना वो सीरीज हमारा लॉग 1 प्लस एक्स का सीरीज है। ठीक, बस सिंपल सा x के जगह पर जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो लॉग 2 का सीरीज बन जाएगा 1-1/2 + 1/3 -1/4 इस तरह का जो सीरीज होगा उसका वैल्यू लॉग 2 आवेगा। तो यहाँ देखो 1-1/2 + 1/3 इस तरह का सीरीज मिल रहा है हमको, इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा लॉग 2 आएगा, और 2 से तो पहले से मल्टीप्लाई है
तो 2 log 2 - 1 यही इसका आंसर होगा। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।